क्लाउन्स, एक ऐसे जीव जो शायद पैरानॉर्मल और नॉर्मल के बीच कहीं होते हैं। कई लोगों को भूत प्रेत और आत्माओं से शायद इतना डर नहीं लगता जितना एक क्लाउन से लगता है। ये कहानी भी ऐसे ही एक क्लाउन की है जिसका कहर एक छोटे से शहर बैरिक टाउन में कुछ ऐसा फैला कि वहां के लोगों ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। आज आना का बर्थडे है, वो पूरे 13 साल की हो गई है। उसके बर्थडे पर उसकी मॉम मेगन और डैड स्टीव ने पूरा घर सजाया है, पर आना ने सुबह से अपना कमरा ही नहीं खोला। आना, ओपन द डोर बेटा। देखो, तुम्हारे पापा और मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए पूरा घर डेकोरेट किया है। आना, जिद नहीं करते, जल्दी से बाहर आओ। आप अपनी मॉम को परेशान मत करो। मेगन और स्टीव के कई बार बुलाने पर भी कोई जवाब नहीं आया। अंदर से बस सिसकियों की आवाज आ रही थी। वो आवाज सुनकर आना के पेरेंट्स थोड़े परेशान हो गए। उन्होंने फिर से एक बार आना को दरवाजा खोलने के लिए कहा तो आना उन पर चिल्ला पड़ी, बस करो प्लीज, बस करो। पर आना बेटा, क्या हुआ? जो कुछ भी हुआ तुम दोनों की वजह से हुआ है। अब मैं जहाँ पहुँच गई हूँ वहाँ से वापस नहीं आ सकती। मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ। आना अपने घर वालों पर चिल्लाते चिल्लाते रो पड़ी। उसके बेड पर उसके पास ही एक डॉल पड़ी थी, एक क्लाउन की डॉल। उसने उस डॉल को उठाया और रोते रोते गले से लगा लिया। लेकिन आज जो हो रहा था वो पहली बार नहीं था। आना वैसे तो बहुत ही हसमुख और खुश मिजाज किस्म की लड़की थी, पर करीब 3 महीने पहले जब उसे पार्क में खेलते हुए वो क्लाउन डॉल मिली थी, तब से वो दिन ब दिन अजीब होती जा रही थी। लोगों से ठीक से बात ना करना, अपने पेरेंट्स पर चिल्लाना और अपने रूम में घंटों घंटों तक खुद को लॉक कर देना। आना ने अपने सभी दोस्तों से बात करना भी छोड़ दिया था। वो बस पूरे टाइम अपनी क्लाउन डॉल से ही खेलती रहती थी। पहले तो आना के पेरेंट्स को लगा कि शायद बच्चों के अंदर टीनेज की उम्र में ऐसे बिहेवियर चेंजेस या बदलाव आते ही हैं। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी ज्यादा आगे बढ़ रही थी। आना के ऐसे बुरी तरह चिल्लाने के बाद आना की मॉम मेघन के भी आंसू आ गए थे। आना के डैड स्टीव ने मेघन के कंधे पर हाथ रखा और मेघन को दिलासा देते हुए वो उसे आना के कमरे के दरवाजे से दूर लेकर चला गया। लेकिन आना के साथ अंदर कोई और भी था। वो क्लाउन डॉल अब आना के पास नहीं थी, बल्कि आना के पास खुद एक क्लाउन बैठा था जो आना के आंसू पोंछ रहा था। आना की जिंदगी में जो कुछ भी घट रहा था वो बहुत अजीब था, लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा ही अजीब होने वाला था उस रात, जो बैरिक टाउन के हर एक इंसान का दिल दहला देने वाला था। रॉबिन, एक टीनेजर, अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करके वापस घर लौट रहा था। शाम का समय था और मौसम थोड़ा बिगड़ने लगा था। एकदम से बादल गरजने लगे और आसमान में अंधेरा छा गया। जोरों की एक बिजली कड़की और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। रॉबिन को अब अपनी बाइसिकल चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, पर वो किसी तरह आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन आगे बढ़ते हुए अचानक से उसके सामने कोई आ गया। कोई अपने हाथ में बड़े सारे गुब्बारे लिए रोड के ठीक सामने खड़ा हो गया था। वो कौन था पता ही नहीं चल पा रहा था, क्योंकि उसका चेहरा गुब्बारों के पीछे ढका हुआ था। रॉबिन को कड़कती बिजली और बारिश में कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा था।
ताकि वो उस इंसान से टकरा न जाए। इसलिए उसने जल्दी से अपनी बाइसिकल का हैंडल मोड़ा और उसके हैंडल मोड़ते ही उसकी बाइसिकल रोड पर फिसल गई और रॉबिन धम से जमीन पर नीचे गिर पड़ा। गिरने की वजह से उसके पैर में चोट लग गई थी। रॉबिन नीचे जमीन पर गिरा हुआ था और जब उसने आसपास उस इंसान को देखने की कोशिश की जिसका चेहरा गुब्बारों के पीछे छुपा हुआ था, तो वो इंसान दूर दूर तक कहीं नहीं था। फिर अचानक बिजली कटी और वो आदमी रॉबिन के ठीक सामने आ गया। हेलो, सरप्राइज सरप्राइज। रॉबिन के सामने कोई और नहीं बल्कि एक भयानक दिखने वाला क्लाउन खड़ा था, जिसे देखते ही रॉबिन कांप उठा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता या कुछ कह पाता, जब रॉबिन देर रात तक घर नहीं आया तो रॉबिन के पेरेंट्स ने उसके बारे में सब जगह मालूम किया, पर कुछ पता नहीं लगा। जब कहीं से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी तो उन्होंने पुलिस को खबर की। पूरे शहर में रॉबिन की खोज शुरू हो गई। छानबीन के दौरान एक पुलिस कार उसी रोड से गुजर रही थी जिस पर रॉबिन कुछ देर पहले अपनी बाइसिकल से गिरा था। वो पुलिस कार एक जगह आकर रुकी। वहीं पास में रॉबिन की बाइसिकल भी गिरी पड़ी थी। उस कार में से दो ऑफिसर्स उतरकर रोड के दूसरी तरफ के एक पेड़ को देखने लगे। दोनों के चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। जल्दी से सर को फोन लगा। सर। हाँ बोलो। सर, यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। किसी ने उस बच्चे रॉबिन को मारकर पेड़ पर लटका दिया है। What? सर, आप जल्दी आ जाइए। रॉबिन मर चुका था। उसकी गर्दन से अब भी वही गुब्बारे लटके हुए थे जिसे वो क्लाउन अपने हाथ में लेकर घूम रहा था। एक और चौंका देने वाली बात ये थी कि रॉबिन के पूरे चेहरे पर एक क्लाउन का मेकअप लगा हुआ था। वहीं दूसरी ओर उस रात एना के चेहरे पर अब फाइनली एक मुस्कान थी और वो उसी डॉल जैसे दिखने वाले क्लाउन के साथ अपने कमरे में नाच रही थी। रॉबिन की मौत से पूरा बैरिक टाउन कांप उठा था, लेकिन किसे पता था कि रॉबिन की मौत तो बस एक शुरुआत थी। दोस्तों, ये था खूनी मंडे की पहली ओरिजिनल सीरीज द क्लाउन का पहला एपिसोड। क्या हुआ उस शाम रॉबिन के साथ? कौन है वो क्लाउन और क्या सच में उसी क्लाउन ने रॉबिन को मारा है या इसके पीछे कुछ और राज है? एना को भी एक अजीब सा क्लाउन दिख रहा है। क्या वो मेंटली अनस्टेबल हो गई है और हेलुसिनेट कर रही है या उस क्लाउन डॉल में कुछ पैरानॉर्मल छुपा है?